जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आपका? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज मेरे पास सैमसंग लेवल्यू 2 आया है रिपेयर होने के लिए। इसमें माइक की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें सामने वाले को अपनी आवाज़ नहीं जा रही है ब्लूटूथ से। बाकी इसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें आवाज़ सही आ रही है, चार्ज भी हो रहा है, इसको रीसेट भी करके देख लिया है, लेकिन इसमें आवाज़ की समस्या आ रही है। अपन जब मोबाइल से कनेक्ट करके किसी से कॉलिंग पे बात करते हैं तो अपने को सामने वाले की आवाज़ आ रही है, लेकिन अपनी आवाज़ सामने वाले के पास नहीं जा रही है। तो इसी फॉल्ट के लिए मैं इसको खोलने वाला हूँ, और इसको डायरेक्ट यहाँ से नहीं खोलेंगे हम, पहले हम इसका माइक का सेक्शन चेक करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अधिकतर कॉमन केस यही होता है कि डिजिटल माइक होता है वही शॉर्ट होता है, और पानी लगने के कारण ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें जो होल दिया हुआ होता है वहाँ से इसमें किसी तरह से पानी लग जाता है और माइक शॉर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका माइक ही चेंज करके देखेंगे, बाकी इधर की एसेसरीज चेक करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इधर बहुत टाइट पैकिंग है और ये हिल भी नहीं सकता इसके अंदर से, तो इसका सॉकेट। तो चलिए फ्रेंड इसको खोलते हैं। तो टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पहले से ही यहाँ से खोल कर रखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको धीरे धीरे काटा है, यह खुल नहीं पा रहा था क्योंकि इसमें सील्ड पैक रबड़ की पैकिंग थी बिल्कुल। तो इसको बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको खोला है, और इसमें देख सकते हैं हम कि इसमें दो माइक लगे हुए हैं यहाँ पे, एक ये रहा माइक प्राइमरी माइक, एक सेकेंडरी माइक। इसमें एक मास्टर माइक होता है जो कि बात करने के काम आता है, और दूसरा सेकेंडरी माइक होता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, ताकि ज़्यादा शोर शराबे के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमें और सामने वाले पार्टी को आवाज़ साफ सुनाई देवे। जो फालतू की आवाज़ होती है किसी भी तरह की, शोर शराबे की, गाड़ियों की नॉइस होती है, हवा की आवाज़ होती है, वो नहीं आती है। तो प्राइमरी माइक हम इसका चेंज करके देखने वाले हैं। मैंने इसको यहाँ पर जब खोला था तो इस पर जाली लगी हुई थी और यहाँ कुछ हरा हरा सा पानी जमा हुआ था, तो मैं समझ गया कि इसमें पानी लगने के कारण ही यह शॉर्ट हुआ है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो माइक उतारने के लिए सबसे पहले आयरन के ऊपर हम इसको डायरेक्ट धीरे से अटका देंगे पीसीबी को, जिससे कि पीसीबी एक साइड से हीट होगी और दूसरी साइड से हम माइक को उठा लेंगे। और रिप्लेसमेंट करने के लिए दूसरा माइक पास में ही रखा हुआ है पहले से ही, ये नया माइक है, इसे हम इस पर हाथों हाथ गर्म होते ही पीसीबी को इस पर रख देंगे, ताकि हमें बार बार में दो दो बार सोल्डिंग और डिसोल्डिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये लीजिए फ्रेंड्स, इसका माइक रिप्लेस कर दिया है और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही तरीके से लग चुका है इसके ऊपर। इसको अच्छे से चेक कर लेंगे हम। ठीक है, अभी हम इसको चेक करते हैं पहले कॉलिंग करके एक बार कि इसमें कॉलिंग हो रही है या नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने इसका माइक सक्सेसफुली रिप्लेस कर दिया है, और माइक रिप्लेस करने के बाद में भी यह काम नहीं करा था, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पानी जाने की वजह से ही इसका माइक ख़राब हुआ था। तो शॉर्टिंग आने की वजह से इसमें इसका जो माइक का पॉजिटिव का ट्रैक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहाँ पर इसका ये पॉजिटिव का ट्रैक है, ये वाला ये माइक का पॉजिटिव का ट्रैक है, और ये माइक का डिजिटल सिग्नल है और ग्राउंड इसको मिला हुआ है यहाँ से। तो ये पॉजिटिव सिग्नल, देखिए डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, इस हिसाब से ये पॉजिटिव है, और यहाँ से इस पॉइंट पर यहाँ अंदर पॉजिटिव जा रहा है। तो इसका ये पॉजिटिव जो ट्रैक है, यहाँ से कहीं से ब्रेक हो गया तो इस माइक को ऑन नहीं हो पा रहा था और पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ पर इसका ये ट्रैक जा रहा था, जिससे कि इस वाले माइक को भी पॉजिटिव की सप्लाई मिल रही थी, तो मैंने यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई लेकर के इस माइक को यहाँ पर दे दी और ये माइक हमारा सही हो गया। तो इसमें अभी किसी भी प्रकार का इशू नहीं आ रहा है, मैंने कॉलिंग करके देखी है, माइक इसका बिल्कुल सही काम कर रहा है,
और आप भी चाहें तो ये वाले तरीके से इसका माइक रिप्लेस करके चेक करके देख सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब का रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो पर शेयर कीजिए और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या और कुछ हो सकता था। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।